नए इनकम टैक्स ई पोर्टल से करदाताओं को मिलने वाले फायदे। अभी तक आयकर दाताओं को अपना आयकर रिटर्न भरने के लिए अनेक कानूनी पेचीदगियों को समझना पड़ता था। उसके बाद भी ITR भरने में अनेक ऐसी गलतियां हो जाती थी जिसके चलते ITR भी दाखिल नहीं हो पाता था। इसकी वजह से आयकर दाताओं को अनेक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। बेवजह सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे और फिर भी काम नहीं होता था। इसका नतीजा ये होता था कि आयकर अदा करने के साथ ही कई बार लेट फीस का जुर्माना भी भुगतना पड़ता था। ITR भरने में क्या क्या परेशानियां थी? जो करदाता आयकर की बारीकियों से वाकिफ न थे वो आयकर सलाहकार यानी इनकम टैक्स कंसल्टेंट अथवा आयकर मामलों के विशेषज्ञ वकीलों की सेवाएं लेते हैं। ये वकील व्यापारी की आमदनी के अनुसार उसकी ITR भरने के लिए उससे लंबी चौड़ी फीस लिया करते हैं। कुछ करदाता इन सारे झंझटों से तंग आकर आयकर रिटर्न दाखिल ही नहीं कर पाते थे और समय निकल जाता था। उनके खिलाफ आयकर विभाग की ओर से सर्वे के नाम पर छापा मारा जाता था। छापे की कार्रवाई से संस्थान के संचालक की बदनामी भी होती थी और दोषी पाए जाने पर जुर्माना भी अदा करना होता था। नंबर 1, आयकर रिटर्न फाइल करते समय कई बार अनजाने में ऐसी चूक हो जाती थी जिसके चलते आगे कई तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती थी। आयकर रिटर्न भरते समय अक्सर निर्धारण वर्ष और वित्तीय वर्ष में गलतफहमी हो जाती थी। ITR के सही प्रारूप के चयन में भी कंफ्यूजन हो जाता था। कटौती और अन्य नुकसान की जानकारी देने में भी गलतियां हो जाती थी। कई साइबर क्राइम के खतरे भी थे। इन गलतियों के अलावा पुराने ITR भरने में अनेक खतरे भी थे। डेटा चोरी होने की भी आशंका बनी रहती थी। धोखाधड़ी वाले ईमेल, फोन कॉल, SMS आते थे जिनसे करदाता आसानी से ठगे भी जाते थे। चालाक साइबर क्रिमिनल अपराध करके सारे सबूत मिटाकर बच भी जाते थे। इन तमाम परेशानियों से तंग आकर करदाताओं ने ITR फाइल करने से बचने की जुगाड़ निकालनी शुरू की और बहुत से आयकर दाताओं ने तो जुर्माने आदि की परवाह न करते हुए ITR फाइल करना ही बंद कर दिया। इससे आयकर दाताओं की संख्या दिन प्रतिदिन घटने लगी। आयकर ई फाइलिंग पोर्टल की मौजूदा विशेषताएं। आयकर ई फाइलिंग पोर्टल www.incometaxindiafilling.gov.in को आयकर विभाग द्वारा करदाताओं को ई फाइलिंग की सुविधा देने के लिए बनाया गया है। करदाता अपने आयकर रिटर्न और अन्य टैक्स संबंधी कार्यों के लिए इसी पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं। वर्तमान समय में इस पोर्टल पर करदाताओं को आयकर रिटर्न दाखिल करने के साथ कई अन्य सुविधाएं भी प्राप्त हैं। इनमें करदाता अपने आयकर रिटर्न का ई सत्यापन कर सकते हैं, बकाया आयकर डिमांड को भी देख सकते हैं और उसका जवाब भी दे सकते हैं, ऑडिट रिपोर्ट और प्रमाण पत्र भी फाइल कर सकते हैं, टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं, ITR विवरण बदलने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आधार को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं, ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं, ई कार्रवाई का जवाब भी दे सकते हैं। खामियां सामने आई। इसके बाद जब आयकर विभाग द्वारा ऐसे करदाताओं पर सख्ती की जाने लगी तो उनमें से ही कुछ रसूखदार करदाताओं ने इसका विरोध किया और ITR फाइल करने में आ रही परेशानियों को विभाग और सरकार को बताया। इन शिकायतों और समस्याओं पर सरकार ने गंभीरता से विचार किया। इस पर विशेषज्ञों की राय ली गई तो इसमें कई ऐसी अनेक खामियां सामने आई जिनको दूर करने से उन करदाताओं को राहत मिलने की संभावना दिखी जो करदाता ईमानदारी से कर देना चाहता था। इस तरह से लॉन्च किया गया नया पोर्टल। इन सभी विचार विमर्श के बाद सरकार ने करदाताओं के लिए अनेक सुविधाओं वाला एक नया इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया। इससे करदाताओं को अपना ITR फाइल करने में बहुत सुविधा होगी और उनकी प्रत्येक समस्याओं के समाधान करने की भी व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है। आइए देखते हैं कि इस नए पोर्टल से करदाताओं को कौन कौन से लाभ प्राप्त होंगे। नए पोर्टल से मिलने वाली सुविधाएं। सरकार ने आयकर दाताओं को ITR फाइल करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए नया ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल में करदाताओं को वो सारी सुविधाएं दी गई हैं जिनके माध्यम से थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अपने ITR को सही तरीके से फाइल कर सकता है। इसके अलावा करदाताओं की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार ने ऐप भी लॉन्च किया है जिन्हें डाउनलोड करके पूरी जानकारी हासिल की जा सकती है। इस तरह से आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए कई कदम उठाए हैं जो इस प्रकार है। सरकार की ओर से आयकर विभाग ने सबसे पहले विभाग के पोर्टल के URL का नाम आसान किया।
पहले इस पोर्टल का URL बहुत ही कठिन और काफी लंबा था, उसे बदलकर आप इसका नाम www.incometax.gov.in रखा गया है। आयकर के नए पोर्टल के साथ कुछ ऐसे एप्स भी लॉन्च किए गए हैं जो करदाताओं की हर समस्या का समाधान खोजने में मदद करेंगे। इससे करदाताओं को अपना ITR फाइल करने में मदद मिलेगी। नए पोर्टल के लिए करदाताओं को अब क्या क्या करना होगा? करदाताओं को सबसे पहले अपने डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र DSC को नए सिरे से रजिस्टर कराना होगा, क्योंकि पुराने डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र DSC सुरक्षा कारणों से नए पोर्टल में स्वीकार्य नहीं होगा। इसके अलावा अपनी प्रोफाइल में इस्तेमाल की जाने वाली यूजर ID और मोबाइल नंबर को नए सिरे से अपडेट करें। करदाताओं को चाहिए कि वो अपने आधार कार्ड को लिंक करें और बैंक खाते के संबंध में पूर्व में की गई कार्रवाई को वेरीफाई करें। नए पोर्टल की खास सुविधाएं। सबसे पहले तो आयकर दाताओं को लंबे और कठिन URL से छुटकारा मिल जाएगा। करदाताओं को रिफंड में जो समस्या आती थी वो समाप्त हो जाएगी। इसमें ITR दाखिल करने से लेकर टैक्स पेमेंट की कार्रवाई पलक झपकते ही हो जाएगी। इसके साथ ही रिफंड भी पहले की अपेक्षा बहुत जल्दी मिल जाएगा। पहले वाले पोर्टल में करदाताओं को लंबे लंबे फॉर्म दिए जाते थे, जिनको भरने में अच्छे अच्छे वकीलों के भी पसीने छूट जाते थे। नए पोर्टल में इन लंबे लंबे फॉर्म्स की जगह कुछ सवाल पूछे जाते हैं। पोर्टल द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब करदाता द्वारा दिया जाता रहेगा और उसकी ITR दाखिल हो जाएगी। ITR भरने के लिए आपको अपना जो पर्सनल डेटा इधर उधर खंगालना पड़ता था, उसके कागजात यानी डॉक्यूमेंट तैयार कराने होते थे। उसके बाद उनकी अपलोडिंग में समय बर्बाद होता है, जिसके कारण ITR भरने में कई दिनों का समय लग जाता था। लेकिन अब नए पोर्टल में आपको इस तरह की कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। अब आपको सारा डेटा पहले से भरा मिलेगा। इसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल भरी हुई मिलेगी। बेसिक डिटेल्स में सैलरी इनकम, बैंक अकाउंट, टैक्स पेमेंट डिटेल्स, TDS डिटेल्स, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम फॉर्म बैंक या पोस्ट ऑफिस, शेयर्स, म्यूचुअल फंड की हानि लाभ की डिटेल, इन सभी की जानकारी पहले से भरी हुई आएगी। इससे करदाता को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी और ITR पलक झपकते ही दाखिल हो जाएगा। पुराने वाले पोर्टल की सुविधाएं नए पोर्टल में भी मिलेंगी। यदि आपको पुराने वाले पोर्टल की सुविधाओं की जरूरत होगी तो नए पोर्टल में वो सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, जैसे E-Verify इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू एंड रिस्पॉन्ड टू आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड, फाइल ऑडिट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट्स, व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट, रिक्वेस्ट फॉर इंटीमेशंस, रिक्वेस्ट फॉर रिफंड रीइश्यू आदि। मोबाइल से ITR दाखिल करने की सुविधा। युवा करदाताओं की मांग को देखते हुए आयकर विभाग ने ITR को मोबाइल फ्रेंडली बनाने की तैयारी कर ली है। करदाता जल्द ही अपना आयकर रिटर्न मोबाइल के माध्यम से भी दाखिल कर सकेंगे। आयकर विभाग ने अपने नए टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल को लॉन्च करने के साथ ही इस नए पोर्टल में एक बिल्कुल नया मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। आयकर विभाग का कहना है कि करदाताओं के लिए स्मार्टफोन के जरिए नए पोर्टल का इस्तेमाल आसान हो जाएगा। फोन के व्यापक उपयोग को देखते हुए आयकर विभाग ने ऐसी व्यवस्था की है कि करदाताओं के लिए नए IT रिटर्न, ई फाइलिंग पोर्टल और नए मोबाइल ऐप का उपयोग करना आसान होगा। ये करदाताओं को ITR फॉर्म, पहले से भरे हुए आयकर विवरण, सरल आयकर सुविधा, रिफंड दावा और अन्य सुविधाओं जैसी जानकारी इकट्ठा करने में मदद करेगा। मोबाइल ऐप में कई अन्य विशेषताएं हैं, जैसे आप एक टैक्स रिटर्न प्रिपेयर का पता लगा सकते हैं, अपने करों की गणना के लिए उपकरण खोज सकते हैं। इसके अलावा भी कई अन्य और भी सुविधाएं हैं। नए पोर्टल को ऑपरेट करने के लिए करदाताओं को दिया गया मौका। कोरोना काल के दौरान करदाताओं के समक्ष आर्थिक संकट को देखते हुए सरकार ने आयकर रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। जो ITR 30 जून तक फाइल की जानी थी, उसे बढ़ाकर अब 30 सितंबर तक कर दिया गया है। इस सुविधा से करदाताओं को काफी राहत मिलेगी। इसके साथ ही कंपनियों को राहत देते हुए CBDT ने भी अपनी ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। आखिरी तारीख के बढ़ाए जाने से उन बिजनेसमैन को ITR दाखिल करने के लिए काफी समय मिल जाएगा, जिससे वो नए पोर्टल पर ITR दाखिल करना आसानी से सीख सकेंगे। सरकार ने आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए जारी नए पोर्टल में सारी सुविधाएं ऑनलाइन कर दी हैं। इससे कोई भी करदाता अपने घर या संस्थान से बैठे बैठे अपना ITR फाइल कर सकता है। इसको किसी जानकार या वकील से सलाह लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।